Hey guys, so welcome to the new day. New day, I think WWE में एक team भी है. New day, I think. So welcome back to the channel. और आज हम जा रहे हैं somewhere in peace. Peace नहीं मतलब इन सर. You already seen that video previously. Like we already have been there. So now this time we are again going there, but with not with friends, like not with brothers sisters. This time with parents and mama mommy. पापा मम्मी के साथ. और उसके बाद हमने जाना है, देन हम जाएंगे आपके वहाँ कहाँ, देन हमने जाना है कालिंका की पूजा में. सो टुडे वी विल जस्ट मूव फ्रॉम हियर, देन वी विल रीच सम वेयर नियर टू थैलीसरण. थैलीसरण के पास पहुँचेंगे, देन उसके बाद जो है वो एक बाद हमल पहुँचाना, वे बाद हमल परस्यू जाना भिनसर, फिर शाम भगतान, फिर नितरस्यू जाना हमल का कल. नहीं आज जाएंगे कल, फिर भिनसर जाएंगे परसों, जो है वो हम जाएंगे कालिंका, देन विल बैक टू होम देहरादून. सो अभी तैयार होते हैं, जस्ट लेट्स गेट रेडी एंड देन मूव फ्रॉम हियर, है ना. देखते हैं कि क्या पहनना है. बहुत ठंड है यार, लेकिन बर्फ ना पड़ गई हो. सो आई एम ट्राइंग टू वेयर दिस, बट आई थिंक हाँ ये वहाँ ठंडा होगा. सोच रहा हूँ कि ना ये वाले शूज तो मैं करूँ रनिंग में यू, मतलब ट्रैक करते हुए यूज, एंड देन आई थिंक ये वाले मैं गाड़ी में पहन के ले जाऊँ. सो गाइज अभी मेरे पास मैंने दो तीन जोड़ी ऐसे हैं जो खोले नहीं है, एंड माई फेव यू टॉक अबाउट माई फेवरेट शूज, देन आई थिंक करंटली मेरे फेवरेट तो ये है भाई, दिस वन. वो वाले भी हैं, बट दैट इज़ फ्रॉम पूमा. अगेन दिस इज़ पूमा, दिस इज़ पता नहीं क्या लीक ऊपर, ये फिर अगेन पूमा पोर्से वाले, दैट इज़ पूमा, दैट इज़ अगेन ये स्केचर, और एक और है ये वो है मडामे, एंड दिस इज़ फ्रॉम H&M. तो मुझे H&M फिलहाल मेरे फेवरेट ये है, क्योंकि मैं इनको ही पहनता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है, यही जब तक दौड़ूंगा नहीं मैं यही पहनूंगा, बिकॉज आई थिंक मैं ये दौड़ने के लिए भाग पहनता हूँ और ये इसके लिए. तो मैं वो वाले वैसे रख दूंगा गाड़ी में फिलहाल. तो अब यूँ है कि कुछ कह नहीं सकते, पर अब थिंक ठीक लगता है मुझे कि ठंडा होगा वहाँ. तो एक चीज़ और पहन के ले जानी पड़ेगी, पहन के नहीं मतलब बैग में डाल के ले जानी पड़ेगी. ठीक है, हो गए हर रेडी, गेटिंग रेडी, गेटिंग रेडी नहीं, गेट रेडी ऑलरेडी. यहाँ पे देखो ये है गाड़ी, हो गई साफ. अब गाड़ी तो साफ हो रही है, लेकिन हमारी गोलू भी है, गोलू ऑलरेडी गाड़ी में पहुँच गई है. यह गोलू गाड़ी में ऑलरेडी पहुँच गई है, पर ये जा नहीं रही है बेचारी. इसके साथ बहुत सैड न्यूज़ है. अरे सब रेडी, चलो. माँ बाजी ने काला चश्मा पहन रहा है, काले काले गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा. एक बीच में बैठना, मैं तो खिड़की में बैठूंगा इधर को. मम्मी आप उधर चलना. हाँ चलो चलो फिर हम उधर चलते बैठते हो. गाइस हम पहुंच गए हर ऋषिकेश, यहाँ पे भरवाएंगे पंप पे पेट्रोल. हम भराएंगे रिलायंस पे पेट्रोल, रिलायंस, और यहाँ पे पेट्रोल भर के ऐसे जाएंगे. धूप आ गया, धूप आ गई अच्छी मस्त. टोपी रखी हुई थी मैंने ऋषिकेश में, बहुत पहले भी आया था एक बार, कुछ यादें जुड़ी है ऋषिकेश से. अरे रिलायंस में मम्मी बोल रही है मूंगफली ले गया, मूंगफली मैं मूंगफली लेने जा रहा हूँ. बोला हमको मूंगफली चाहिए खाने के लिए. अब किधर से ही लाए. अबे यार मैं पर्स तो लाया नहीं, मैं हैंगर. के साथ बड़ा ट्रेवल करना बहुत टफ है भाई. चल रहा है
नंबर उड़ रखा है। आप तो ये सोच रहे हैं आपके सोख सो के जाएंगे ये अब कुछ काम तो है नहीं। हाँ पीछे बैठ के मैं सोच रहा हूँ इनको दोनों को आगे बिठा देते हैं, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। सोएंगे नहीं आप दोनों के दोनों? हाँ वैसे यार अच्छी अच्छी बुढ़िया भी चलाती है पता गाड़ी मस्त है। हाँ तो तुम सीख क्यों नहीं रहे हो फिर? ये सिखा नहीं रहे दोनों आगे वाले। राजा से राजल वाल ने मैंने राजा को बोला उसको बोला मैंने सिखा दे उसको काम ही आएगा है तो कहता है स्कूटी सीख तो रखी है उसने। अभी देव प्रयाग बचा हुआ यहाँ से 8-10-15 किलोमीटर ऑलमोस्ट पौन घंटा तो लगेगा आधा घंटा बाल से तो पता नहीं पड़ा। वो देखो वो रहे हमारे अभी हमारी तरफ पीट करके खड़े हैं नाराज चल रहे हैं लेकिन हम इधर से चले जाएंगे ठसा के कोई मंदिर अभी भी पढ़ाई थी कि मंदिर का टीचर समझा के यहाँ से अब हमें जाना है इधर को बिकॉज दिस रास्ता इज गोइंग टू ऋषिकेश हरिद्वार देहरादून श्रीनगर जब उधर से दिखेगा आगे किधर है दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे दिखाता हूँ जहाँ पे दो नदियों का संगम है संगम दो नदियों का है यहाँ और ये रहा दो नदियों का संगम और बहुत पानी है इसमें तो उधर पुल भी बन रहा है वो देखो उधर से साफ पानी आ रहा है इधर से थोड़ा मटमैला पानी आ रहा है। इधर ये यूनिवर्सिटी बन रही है आई डोंट नो कि कौन सा कॉलेज बन रहा है बट एक कॉलेज बन रहा है यहाँ पे और ये यहाँ पे हो रहा है मिलन और ये आ गया पापा श्री जी हियर फादर इज हियर एंटीयर पापा है ये देखो पानी बहुत ज्यादा है यार नहीं है ना उधर वाला पानी शांत है ना इधर वाला ज्यादा सीधे में है ना थोड़ा हमने इधर ही तो जाना है वैसे भी समझ आ गया भाई जी ये है देव प्रयाग